पढ़ा लिखा जाट, सोड़ा दुनी आठ, सो डोंट बी स्मार्ट। तो भाई लोग कैसे हो आप सब, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल फिल्मी बॉक्स ऑफिस पर। तो बात करेंगे आज इस वीडियो में एक बार फिर से हाल फिलहाल रिलीज हुई अभिषेक बच्चन की फिल्म दसवीं को लेकर, जो कि गाइस काफ़ी अच्छी फिल्म है, लेकिन इसका जो दौर है वो कहीं ना कहीं ख़त्म होने को आया, क्योंकि भाई यार फिल्म को रिलीज़ हुए एटलीस्ट 15 दिन तो आज कंप्लीट हो चुके हैं और कल से 16 दिन का रन चल चुका होगा। लेकिन आपको बता दूँ कल से रिलीज़ होंगी काफ़ी सारी फिल्में, जिसके बाद मेरे को लग रहा है कि इस फिल्म का जो गेम चेंजर प्लान था वो थोड़ा स्लो हो जाएगा और ये फिल्म डाउन आ चुकी होगी। लेकिन अब डाउन आए उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि फिल्म को जितना कलेक्शन करना था ये कर चुकी थी, जितनी डिमांड में रहनी थी फिल्म उससे ज़्यादा चल चुकी थी। कहने का मतलब ये है यार, ये फिल्म जब रिलीज़ हुई थी सभी को पता है काफ़ी अच्छी चली और ये फिल्म टॉप 10 में ट्रेंड भी हुई। अगर ऐसे में बात करें फिल्म के कलेक्शन को लेकर, हिट या फ्लॉप के वर्डिक्ट को लेकर, तो जाहिर सी बात है ये बात काफ़ी कम लोग कहेंगे कि ये फिल्म फ्लॉप हुई है। अदरवाइज सभी को पता है ये एक बहुत बड़ी और जेन्युइन ब्लॉकबस्टर फिल्म साबित हुई है, लीडिंग में नजर आए अभिषेक बच्चन एक शानदार परफॉर्मेंस के साथ गंगाराम चौधरी के तौर पे। वहीं ज्योति चौधरी, बोले तो ज्योति आईपीएस, आपने देखा होगा यामी गौतम। वहीं बिमला देवी, भाई गजब का कैरेक्टर था, काफ़ी हटके था लेकिन यार साइड रोल था मेरे हिसाब से तो। पर वही बात है, फिल्म बढ़िया है लेकिन ये कल से डाउन जा चुकी होगी। देखते हैं कल कितना कलेक्शन करती है, 1 करोड़, 1.5 करोड़, 2 करोड़, 2.5 करोड़, जो भी आपकी राय हो फिल्म को लेकर कमेंट में मेंशन कीजिएगा। मेरे हिसाब से ये फिल्म कल 120 करोड़ का मार्क हासिल नहीं कर पाएगी, मेरा मानना ये है। वेल जो कलेक्शन था फिल्म का अभी तक हो चुका था 15 दिनों के अंदर 117 करोड़ 70 लाख के आसपास। क्या फिल्म कल 2 करोड़ 30 लाख कमा पाएगी या फिर नहीं, आपकी ओपिनियन फिल्म को लेकर कमेंट में मेंशन कीजिएगा। और आप कितने एक्साइटेड हो अभिषेक बच्चन की नेक्स्ट फिल्म 777 को लेकर बताना मत भूलिएगा। बाय, टेक केयर, कीप सपोर्टिंग।